جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप लोग सब. उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे वर्ड्स कम टाइम में सीख कर आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप जब कुरान खोल रहे होंगे उसका लफ्जी तर्जुमा सीख रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान हो रही होगी इंशाअल्लाह ताला. हमने पिछले दो लेसन्स में देखा था कि किस तरह तीन ज़बर लगने से उर्दू के सिंपल से वर्ड्स के मायने हो जाते हैं अरबी में उसने किया. जैसे सबरा सब्र से सबरा उसने सब्र किया. शुक्र से शकरा उसने शुक्र किया. फिर हमने दूसरे लेसन में देखा था कि कुछ कुछ वर्ड्स में क्या होता है कि मिडल वाले लेटर में जबर की जगह या फतहा की जगह कसरा या दम्मा भी आ सकता है. जैसे समिया तो इसमें क्या था उसने सुना मीम के ऊपर फतहा या जबर नहीं था बल्कि कसरा या जेर था. अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स के एंड में वाव अलिफ लगा दें तो वो प्लूरल बन जाएगा और उनके मायने हो जाएंगे उन्होंने किया. जैसे कतला उसने कत्ल किया. कतला को अगर हम क्या करेंगे वाव अलिफ लगाकर कतलू बना देंगे तो वो हो जाएगा उन्होंने कत्ल किया. कफरू उन्होंने कुफ्र किया. तो अभी तक हमने क्या देखा किसी वर्ड के तीनों लेटर्स के ऊपर फतहा हो इज इक्वल टू उसके मायने होते हैं उसने किया. लेकिन इन सम केसेस मिडल लेटर पर जबर या जो है फतहा की जगह कसरा या जेर भी हो सकता है या फिर दम्मा या पेश भी हो सकता है लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट लेटर पर जबर ही लाजमी होगा और उसके मायने स्टिल सेम होंगे उसने किया. एक कंफ्यूजन यहां पर मैं क्लियर करना चाहती हूं. कुछ वर्ड्स में उसने किया की जगह वो आते हैं. जैसे रजा रजा के मायने उसने लौटा ये नहीं आता है बल्कि वो लौटा आएगा. खरजा उसने निकला नहीं बल्कि वो निकला के मायने आते हैं. आमना उसने ईमान लाया नहीं बल्कि वो ईमान लाया आता है. तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज यूजुअली उर्दू में ऐसे ही उसको बोला जाता है. अब विदाउट ट्रांसलेशन ट्राई टू रीड दीज वर्ड्स. नवरा नजरू मना मनाऊ कतला कतलू सबरा सबरू शकरा शकरू. ट्रांसलेशन आपके जहन में घूमना चाहिए. नवरा उसने नजर किया. नवरू उन्होंने नजर किया. मना उसने मना किया. मनाऊ उन सब ने मना किया. कतला उसने कत्ल किया. कतलू उन सब ने कत्ल किया या उन्होंने कत्ल किया. सबर रा उसने सब्र किया. सबरू उन्होंने सब्र किया. शकरा उसने शुक्र किया. शकरू उन्होंने शुक्र किया. ज़करा उसने जिक्र किया. ज़करू उन्होंने जिक्र किया. तो विदाउट ट्रांसलेशन सिंगुलर एंड प्लूरल. एक्चुअली ये पास्ट टेंस के सिंगुलर एंड प्लूरल तमाम वर्ड्स अब आप अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही मिनटों में सीख गए हैं. इन वर्ड्स को भी आप देखिए. सजदा सजदू. आमिला आमिलू. कफरा कफरू. समिया समियाऊ. कतला कतलू. काला कालू. आमना आमनू.
तो इस तरह सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स बहुत ही आसानी से टू लेसन्स में आप सीख गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको भी आप अपनी टीम में और अपनी टीम मेंबर्स और टीम लीडर्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।